ये एजिटेशन तो बहुत लंबा चलेगा। 6-6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है। हर गांव का जो है 2-2 ट्राली 4-4 ट्राली है, उसमें राशन पानी हर गांव का अलग अलग है। चूल्हा चौका, उसका गैस सिलेंडर, बालन सब को जो है तवा परात अलग अलग लेकर के आए हैं। जितना भी देरी सरकार चलाना चाहती है, ये उतना देरी आंदोलन चलेगा। अभी देखिए सभी लोग एकदम रेडी हैं, मीटिंगें चल रही हैं। जो रात को अपना मीटिंग करके हमारे आगू साहबान आए ने, वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंगें लगा रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जोड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं। शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है, कुछ आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है, तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है, हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो है लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयार करके रखी हुई हैं। और आगे जब भी मीटिंग करके निकलते हैं, तो जैसे ही आदेश मिलेगा फिर सभी लोग आगे को मार्च करेंगे। आगे क्या होता फिर देखा जाएगा। सरकार को भी आपकी मांगे कि 10 बजे का टाइम दिया, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? चलो अगर टाइम देते हैं, जैसे पहले भी मीटिंगें हुई हैं, तो टाइम तो कभी भी हम बात पे जाने के लिए कभी मना नहीं करते, बात हमेशा ही, क्योंकि फिर हमारे को उल्टा जो है अल्जाम लगाएंगे कि बात करने के लिए नहीं आते हैं, हम तो चाहते थे सलूशन हो जाए। बात तो जितनी दफ़ा भी बोलते हैं हम वहाँ जाते हैं, अभी भी जब भी बुलाएंगे वहाँ ही रोक करके बनाएंगे। अगर नहीं हमारा जोर देखना चाहते हैं, तो भाई फिर पहले भी बहुत दफ़ा जोर देखा गया है, अभी भी देखेंगे तो देख लें। फिर लोगों का भी नुकसान है, सरकार का नुकसान तो लोगों का नुकसान है ना, जनता का नुकसान। पीछे नहीं हटेंगे? हाँ, किसान तो नहीं पीछे हटेंगे, क्यों नहीं हटेंगे? किसान का कोई अंक का मामला नहीं है, किसान मरता क्या नहीं करता, उसकी मजबूरी है। जब कोई देना नहीं चाहते, लंबा समय 3 साल हो गया, जो जो मांगे मांगी थी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे? इसके अलावा कुछ और चारा भी तो नहीं है ना। कितना लंबा कितने समय तक एजिटेशन चलेगा? हाँ नहीं, एजिटेशन तो बहुत लंबा चलेगा, एजिटेशन तो लंबा चलेगा कि 6-6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है। और ऐसे प्रबंध किए गए हैं जो पहले हमने अभी तक गुप्त रखे थे, कि हर गाँव का जो है 2-2 ट्राली 4-4 ट्राली है, उसमें राशन पानी हर गाँव का अलग अलग है। चूल्हा चौका, उसका गैस सिलेंडर, बालन सब को जो है तवा परात अलग अलग लेकर के आए हैं, कि ये ना हो कि हम एक जगह बड़ा लंगर चला के वहाँ इकट्ठे हुए। हर ट्राली के पास पास में 2-2 ट्रालियों के बीच में ये सब प्रबंध करके रखे हैं। जितना भी देरी सरकार चलाना चाहती है, ये उतना देरी आंदोलन चलेगा, भी ये सरकार के पाले में है। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well.
subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.